हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ स्वीट इडली सूजी की। उसके लिए प्रिपरेशन है, ये मैंने लिया है 1 कप सूजी, 2.5 चम्मच चीनी, आप चाहे तो कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से, 2 चम्मच दूध, 2 चम्मच बटर, ये कोकोनट है, कोकोनट पाउडर स्प्रिंकल करने के लिए, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/2 चम्मच वनीला एसेंस और 1 कप पानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर मैंने ले लिया एक बाउल, इसमें मैं डालूँगी 1 कप सूजी, 2 चम्मच दूध मिल्क पाउडर, 2 या 2.5 चम्मच चीनी ये आपके हिसाब से है, और ये 2 चम्मच बटर। फिर मैं डालूँगी ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, मिक्स इट वेल। फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल सकते हैं कम ज़्यादा। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है जब तक एकदम स्मूथ बैटर नहीं हो जाता, स्मूथली चाहे तो इसे हाथ से मिक्स कर सकते हैं। मैं इसे हाथ से मिक्स कर रही हूँ, एकदम स्मूथ बैटर होना चाहिए, सॉफ्ट एंड स्मूथ। इसे आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आप देख सकते हैं मेरा बैटर। ये सूजी है, थोड़ी देर रखने के बाद ये थोड़ा फूल जाएगी, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा देख के पानी डालना है, इतना ज़्यादा ना कम। तो ये मेरा स्मूथ बैटर रेडी हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा वनीला एसेंस, 1/2 चम्मच, मिक्स कर लूँ। फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, बादाम है, कशनट है, ग्रेप्स है, जो आपका मन चाहे। मैं इसमें थोड़ा सा ग्रेप्स ऐड करूँगी, ये मैंने 1-2 ग्रेप्स ले लिए हैं, इसमें मिक्स करूँगी। आप चाहे तो ऊपर भी डाल सकते हैं डेकोरेशन के लिए, मैं इसमें दही डाल दूँगी। इसमें आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, 2-3 कलर्स के बना सकते हैं। मैंने सिर्फ वाइट प्लेन रेडी किया है, इट्स सिंपल इजी। ओके, तो ये हमारा बैटर रेडी है। अब हम इसे कर लेंगे मोल्ड में शिफ्ट। तो देखिए कुछ इस तरीके का मोल्ड है मेरे पास, मैं इसे बनाने वाली हूँ माइक्रोवेव में। तो ये इस तरीके का मोल्ड है, उसमें मैंने पहले से बटर से ग्रीस कर लिया है मोल्ड मेरा। ओके, और इसमें मैंने ले लिया है थोड़ा सा पानी। अब ये मोल्ड में हम इडली का बैटर भर के इसे करेंगे शिफ्ट और जाएगा ये ओवन में। तो देखिए ये मैंने भर चुकी हूँ मोल्ड में कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे कर लूँगी शिफ्ट यहाँ पर, जिसमें मैंने पानी सब भर लिया है, थोड़ा पानी। ओके, अब इसे कर लेंगे हम बंद। ये मोल्ड एक्चुअली मुझे मेरी मामी ने गिफ्ट किया था, तो थैंक यू, आज यूज़ हो गया। हम उसे प्यार से अप्पू बुलाते हैं, थैंक्स। तो देखिए ये मैंने ओवन में शिफ्ट कर दिया है मेरा मोल्ड। देखिए ये मैंने 6 मिनट के लिए रख दूंगी मैं। ओके, तो मिलते हैं 6 मिनट के बाद। तो हो चुके हैं मेरे 6 मिनट कंप्लीट। देखिए अब हम इसे निकालेंगे बाहर, ये गर्म है, कपड़े का इस्तेमाल करो। माशाल्लाह, देखिए हमारी इडली, देखिए ये बन चुकी है गरम। आप इसे नाइफ से चेक कर सकते हैं, इट्स डन। इसे निकाल लेंगे बाहर, माशाल्लाह अच्छे से बन चुकी है ये, देखिए नाइस। अरे वाह, निकल भी गई। तो अब हम इसे निकाल लेंगे, ये प्लास्टिक का मोल है तो हमें इसमें ज़रूरत नहीं कुछ लगाने की, ये इजीली निकल जाएगी। देखिए एकदम इजीली, गर्म है, बहुत गर्म है, एकदम इजीली निकल जाएगी ये। आप चाहे तो इसमें कुछ फीलिंग भी कर सकते हैं आपके मर्जी, ड्राई फ्रूट्स है या कुछ और। ओके, अब ये गर्म इडली हम डालेंगे इस कोकोनट पाउडर में, स्प्रिंकल करेंगे देखिए इस तरीके से, तो टेस्ट भी अच्छा आएगा, चिपचिपी भी नहीं होगी, सॉफ्ट। इस तरीके से मैं सब कर लूँगी। तो देखिए ये मैंने सब इडली पे कोकोनट पाउडर लगा चुकी हूँ, अब मैं इसे रख लूँगी। थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी मैं कोकोनट पाउडर, इट्स रेडी टू ईट। देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक।